फर्जी गीक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्जी गीक। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं यहां पर अपने चैनल में। आप मेरे यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हो डिफरेंट सा वॉलपेपर लगा हुआ है। काफी टाइम से यहां पर पिछले 2-3 दिनों से हंगामा मचा हुआ है बुरी तरीके से ऑल ओवर दी इंडिया एज वेल एज ऑल ओवर द ग्लोब लेवल पर। पूरा एक हंगामा मचा कर रखा हुआ है इसी वायरस ने। रैंसमवेयर इसका नाम है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप ऊपर एक कार्ड में लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके जान सकते हैं। बाकी एक लेटेस्ट न्यूज आई है यहाँ पर रैंसमवेयर के रिलेटेड, तो वो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रैंसमवेयर से रिलेटेड यहाँ पर एक न्यूज आई है। यहाँ पर आरबीआई ने बैंक से दोबारा से पूछा है, यहाँ पर उनसे कमांड दी है कि आप अपने जो एटीएम्स हैं उनको बंद कीजिए। यहाँ पर उनसे जितने भी एटीएम्स उनको बंद करने के लिए कहा गया है आरबीआई के एंड से। अगेन नोटबंदी के बाद ये सेकंड टाइम हो रहा है एटीएम्स बंद हो रहे हैं। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है गाइस कि जितने भी ऑल ओवर द इंडिया एटीएम्स यूज होते हैं, ऑलमोस्ट 90% एटीएम्स जो है वो पुराना विंडोज यूज करते हैं, विंडोज एक्सपी वो यूज करते हैं जिसका सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट काफी सालों पहले एंड कर चुका है। तो मतलब एक वायरस के अटैक के बाद यहाँ पर हम जाग रहे हैं कि हमें अपना जो विंडोज है वो अपग्रेडेड करने की जरूरत है। तो जो एटीएम होता है किस तरीके से काम करता है? एटीएम होता है उसके अंदर विंडोज होती है, विंडोज के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है जो व्हाइट लिस्टिंग ऑफ सर्विसेज करता है। इस नाम से होता है व्हाइट लिस्टिंग ऑफ सर्विसेज। उसका काम क्या होता है? वो यहाँ पर मैनिपुलेट चीजों को मैनेज करता है कि क्या क्या एक्टिविटी उस सिस्टम पर हो पाए, क्या क्या एक्टिविटी ना हो पाए। तो जो व्हाइट लिस्टिंग सर्विसेज होती है वो यहाँ पर कमांड देता है कि आप कैश निकाल सकते हैं, कैश विदड्रॉ कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, साथ साथ अपना बैलेंस देख सकते हैं या जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप टास्क उस पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई ने एटीएम से पूछा है और उनको कमांड भी दी है कि जब तक आपके फर्मवेयर है वो अपडेट नहीं हो जाते तब तक आप अपने एटीएम्स को बंद करके रखिए। काफी अच्छा स्टेप है। एटीएम बंद रहेंगे तो यहाँ पर रैंसमवेयर के आने के चांसेस कम है क्योंकि उनका जो सिक्योरिटी लेवल है वो काफी लो लेवल पर काम कर रहा है। बिल्कुल ही एक एक्सपी बंद हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट के एंड से। तो यहाँ पर हेल्प के लिए अभी माइक्रोसॉफ्ट भी आगे आया है, जो सीईआरटी है वो भी आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पैच रिलीज किया है। तो भाई ये वायरस अभी तो लेटेस्ट आया नहीं है, काफी पुराना है। पहले रिलीज कर देते तो इतना ज्यादा बढ़ता ही नहीं है, ग्लोब लेवल पर आती ही नहीं बात, बट हम थोड़ा लेट जागते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सॉफ्टवेयर ये जो है आपका फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अपग्रेडेड होंगे तो शायद रैंसमवेयर से हम बच पाएंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो और न्यूज पसंद आया होगा। पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ही मत जाइए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।